नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक मेट्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है सॉफ्ट कीज़ क्या होते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट कीज़ मेनली तीन बटन्स होते हैं, जिसमें पहला होता है रिसेंट बटन, दूसरा होता है होम बटन और तीसरा होता है बैक बटन। दोस्तों, मज़े की बात ये है कि ये स्क्रीन पे होते हैं और ये अच्छी तरीके से काम भी करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हम अपने मोबाइल में सॉफ्ट कीज़ कैसे इनेबल करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमें इसके लिए क्या करना होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल टेक मेट्रो को लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अपने मोबाइल में सॉफ्ट कीज़ इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है सॉफ्ट कीज़ टू होम बैक बटन। दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमें डू नॉट डिस्टर्ब एसेस का परमिशन इसे देना है। तो ये छठे नंबर पे है ये एप्लीकेशन, ये ऑफ़ रहेगा पहले से, तो आपको इसे ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद अलाउ और उसके बाद बैक बटन, उसके बाद परमिट ड्राइविंग ओवर अदर एप्स, आपको इस परमिशन को भी दे देना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने उस एप्लीकेशन को इस परमिशन को भी अलाउ कर दिया। उसके बाद सिंपली बैक बटन, बैक बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद, अगर ये जब आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ जो दिखाई दे रहा है सॉफ्ट कीज़ टू होम बैक बटन, उस पर क्लिक करना है और एसेसिबिलिटी का भी परमिशन इसे दे देना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसे ऑन किया और यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों देखिए, यहाँ मेरे स्क्रीन पे सॉफ्ट कीज़ इनेबल हो चुका है। अब हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमें इसके लिए सेटिंग पे क्लिक करना होगा और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए बटन बार पोजीशन, बॉटम, राइट, लेफ़्ट और टॉप, इसका मतलब है दोस्तों आप इसे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे, ऊपर या दाएं या बाएं। उसके बाद बटन आइकन, ये तीन तरह का होता है, जिसमें पहला है पुराना वाला, दूसरा है न्यू वाला और तीसरा है जो नया में सबसे अपडेटेड वाला है वो वाला न्यू टू। तो मैं यहाँ न्यू को सिलेक्ट करता हूँ, देखिएगा आइकन चेंज होगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये आइकन चेंज हो गया। उसके बाद उसके जस्ट नीचे विड्थ, हाइट और ट्रांसपेरेंसी, हम इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वाइब्रेट, आप इसको ऑफ़ या ऑन भी कर सकते हो यहाँ से। लॉन्ग प्रेस, दोस्तों यहाँ तीन ऑप्शंस है, जिसमें हाइड कीज़ और चेंज पोजीशन का भी ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आप चेंज पोजीशन पे क्लिक करके और उसके बाद आप अपने सॉफ्ट कीज़ पे थोड़ा देर के लिए टैप करते हैं, तो आपका सॉफ्ट कीज़ अपने पोजीशन को बदल देगा। तो मैं इसे इटसेल्फ पे ला करके वापस से रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ है बटन सीक्वेंस, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए, और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करना ना भूलें।